अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मजे में। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मैदान ब्रिज। आप देख सकते हैं 14 अगस्त बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तानी दोस्त झंडे लहरा रहे हैं और दुबई के अंदर जो है आप देखेंगे पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है। इस ब्रिज को बहुत सारे लोग टिकटॉक ब्रिज भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों इसका नाम है मैदान ब्रिज। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, आप गूगल मैप पर लिख सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं कमेंट मुझे, मैं आपको फॉरन लोकेशन दे दूंगा। और अभी हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे कि वो किस तरह से यहां पर दोस्तों मना रहे हैं 14 अगस्त को और क्या जोश और जज्बा है। देख सकते हैं इन्होंने बहुत झंडे वाली टी शर्ट पहनी हुई है। नाम बताइएगा अपना। अनीब अहमद। अनीब अहमद नाम है इनका। तो बताइए कि आप कैसे जोश और जज्बे के साथ आप मना रहे हैं यहाँ पर? हम ये मौका मिला आपको यहाँ इस वक्त हम लेकर आए मैदान ब्रिज और अभी हम यहाँ अपने पाकिस्तानी भाइयों को जोश और जज्बा आपको दिखाने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो चलने वाली है ज़रूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको हमारे सारे भाई पाकिस्तानियों का जोश और जज्बा। कलम उठा कदम बढ़ा, तू अहद कर, तू कर वफा। वतन है तो बहार है, वतन पे जान निसार है। वतन को हम सजाएंगे, वतन के गीत गाएंगे, वतन से हमको प्यार है। वतन पे जान निसार है, वतन रगों में खून है, वतन मेरा जुनून है, अज़्मे आली शान है, हमारा पाकिस्तान है। अज़्मे आली शान है, ये हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान। तो आप देख रहे हैं कि नौजवानों का जो जज्बा है वो इस तरह से है। ये पाकिस्तानियों की यही खूबी है कि उनका पाकिस्तान के लिए जो प्यार है वो वैसा का वैसा ही रहता है, चाहे वो सात समंदर पार चले जाएं, चाहे वो खलीज के कंट्रीज में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो कहीं पर भी हैं, वो अपने मुल्क का जो जश्न आज़ादी जब भी आता है तो वो इसी जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको हमारे सारे भाई पाकिस्तानियों का जोश और जज्बा। थैंक यू वेरी मच।